नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा। आज हम आपको मिलवाएंगे राम शरण वर्मा से। केले की बागवानी करना कोई इनसे सीखे। हमारे भूतपूर्व महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तो इन्हें खेती का जादूगर ही कह दिया था। बनाना किंग के नाम से विख्यात राम शरण वर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं को आज कार्यक्रम की इस कड़ी में जानेंगे। तो आइए, बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव आपको लिए चलते हैं। बाराबंकी जिले का दौलतपुर गांव आजकल केले की खेती के लिए प्रसिद्धि पा रहा है। बनाना किंग, जी हाँ, राम शरण वर्मा की बेहतर खेती ने इस गांव को एक अलग पहचान दिलाई है। खुद राम शरण वर्मा भी न सिर्फ अपने आसपास के क्षेत्रों में बल्कि देश और दुनिया में एक प्रगतिशील किसान के रूप में जाने जा रहे हैं। लेकिन खेती के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, राम शरण वर्मा की खेती का अनुभव भी बढ़ता गया। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक खेती ज्यादा खर्चीली और कम पैदावार देने वाली है, मजदूर ज्यादा लगते हैं, साथ ही लाभ कमाना एक टेढ़ी खीर है। ऊपर से खेती के दौरान कोई दूसरा काम कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने इसके लिए खेती की नई शैली को अपनाने का विचार किया। इस तरह वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की ओर मुड़े। तो टिशू कल्चर है, पहले हम शक्कर से खेती करते थे, अब हम टिशू कल्चर खेती कर रहे हैं। ये बताना चाहेंगे कि टिशू कल्चर क्या है, टिशू कल्चर हमने क्यों चुना। टिशू कल्चर ये है, किसी स्वस्थ पेड़ से एक हम शक्कर से लेते हैं, उसको लैब में ले जाते हैं, फिर उसके सेल को हम डेवलपमेंट करते हैं और एक शक्कर से, एक केले की शक्कर से हम 500 पौधे तैयार करते हैं। वो एक जैसे होते हैं, एक जैसे उसमें जीन्स होते हैं, एक जैसी क्वालिटी होते हैं, एक समय से होते हैं। तो जब उनको हम और तेज़ी से चलते हैं, जहाँ पुत्ती वाला केला है, पहले हमारा पूरा भारत पुत्ती के यानी केले की पुत्ती से खेती करता था। ये जो टिशू कल्चर टेक्नोलॉजी 1990 में आई, हमने शुरू किया, तो टिशू कल्चर जो तकनीक है, इसमें पौधे हमारे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और जैसे हम पेड़ से पौधे लेते हैं, जैसे हमने लिया एक पेड़ से कि जिस पेड़ में 50 किलो की बंच है, 40 किलो की बंच है केले की घार, और 20 से 25 सेंटीमीटर केला है, उसी हम का सिलेक्शन करते हैं। वैसे हमारे पौधे तैयार तो एक साथ होते हैं, जहाँ पुत्ती केला 15 महीने में होता है, ये 12 महीने में तैयार हो जाता है। और दूसरी बात है, इसका उत्पादन भी 20 से 25% ज़्यादा है, इसलिए हम टिशू कल्चर लगाते हैं। अब राम शरण वर्मा ने परंपरागत खेती को छोड़कर खेती के नए तरीकों को अपनाना शुरू किया, नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और खेती की नई विधि अपनाई। इस तरह राम शरण वर्मा ने अपनी समझदारी की बदौलत अपने गांव में खेती की एक नई परंपरा की शुरुआत कर डाली। समय बीतने के साथ साथ उन्हें इस नई विधि से खेती के लाभ महसूस होने लगे। अब राम शरण वर्मा की पहचान एक विकासशील किसान के रूप में होने लगी। राम शरण वर्मा जी के बचपन का सफर एक आम किसान के बच्चों जैसा ही था। इनके माता पिता काफी कम खेती में अपना गुजारा किया करते थे। 3 पीढ़ियों से उनके पास यही जमीन थी। आर्थिक समस्या से 2-4 होते हुए राम शरण वर्मा ने 10वीं तक की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई पूरी करना उनके लिए मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पारंपरिक खेती से जुड़ना पड़ा। हम हाई स्कूल पढ़ाई करने के बाद जो हाई स्कूल में फेल हो गए, तो हमारे घर पर खेती होती थी। हमारे पिताजी एक किसान थे और वो खेती करते थे, गेहूँ चावल सरसों की खेती करते थे। हम भी उनके साथ खेती करने लगे। फिर हमारे मन में आई कि इसमें क्या नया किया जाए, तो हमने पहले गेहूँ के नए बीज लगाना शुरू किया। फिर हमने सोचा कि हम सब्जियों फल की खेती करें। कहीं सुना हमने पत्रिका में कि सब्जी या फल की खेती करें तो उसमें ज़्यादा लाभ हो सकता है। फिर हम कहीं पत्रिका में पढ़े कि केले की खेती से किसान ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। उस समय धान गेहूँ चावल में करीब 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार रुपये एकड़ तक लाभ मिलता था, लेकिन केले की खेती से
ये हम बात 86 से कर रहे हैं, 1986 की। तो केले की खेती में 40,000 रुपये तक लाभ हमने सुना। फिर हम देखने गए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, बहुत सारे किसानों से हमने मिला। फिर हमने देखा कि उन्होंने बताया कि केले की खेती से हम 14 महीने की फसल है, ये कर रहे हैं, ये फ़ायदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर हमने पूरा गहन अध्ययन किया, फिर ला करके हम अपने यहाँ हमने केले की खेती शुरू की 1988 में, वही शक्कर से की, आधा एकड़ से, फिर एक एकड़ से हमने खेती शुरू किया। फिर आज करते गए, उसका दायरा बढ़ता गया, आज तो हम टिशू कल्चर की खेती कर रहे हैं। सफलता का ये शुरुआती सफर उनके मन में जिज्ञासा पैदा करने लगा, उनके पंखों को परवाज मिली। 2 वर्षों की कृषि यात्रा से वापस अपने गांव दौलतपुर आने पर रामशरण वर्मा ने अपने बुजुर्ग पिता के मना करने के बावजूद 1 एकड़ जमीन पर केले की बागवानी शुरू की और बाद में पिता की सहमति पाई। पहली बार दौलतपुर के किसानों को रामशरण वर्मा के कौशल का अंदाजा हुआ। रामशरण वर्मा ने यहां के किसानों को पहली बार केले की बागवानी में टिश्यू कल्चर से परिचय कराया। यहां के किसानों के लिए ये बिल्कुल एक नए प्रकार का शोध था जिसे रामशरण ने अपने गांव की बागवानी में कर दिखाया था। अब रामशरण वर्मा के लिए केले की बागवानी ही नई शोधशाला बन गई। हमारे पास 20 एकड़ जमीन है, या किसी किसान के पास 20 एकड़ जमीन है या 5 एकड़ जमीन, तो 1/4 भाग में ही उसको एक फसल करना है। 1/4 भाग में वो केला या फल की खेती करे और उसके 1/4 भाग में सब्जी की खेती करे, 1/4 भाग में गेहूं चावल की खेती करे, 1/4 भाग में वो बागवानी कर सकता है या पशुओं के लिए चारा कर सकता है। तो इसका हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एक फसल में नुकसान होगा तो दूसरी फसल में इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से रामचरण वर्मा जी ने अपने अनुभव और अपने ज्ञान से कृषि की समझ को विकसित किया और फिर देश के कामयाब किसानों के संपर्क में आकर कृषि से जुड़े नए फैसले भी लिए, पारंपरिक खेती की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया और फसलों का नया चयन भी किया, देश के अलग अलग किसानों से मिलकर खेती की नई जानकारी हासिल की। एक छोटी सी जमीन का मालिक कैसे आगे चलकर बनाना किंग बन गया, चलिए देखते हैं। केले की बागवानी में लागत से 4 गुना मुनाफा कमाने वाले रामशरण वर्मा ने अन्वेषी कृषि कार्य आरंभ किया। इसके तहत उन्होंने लाल रंग वाले केले की पैदावार शुरू कर दी। इस किस्म के केले में ज्यादा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है जबकि इसमें शुगर कम होती है। आमतौर पर देश के दक्षिणी राज्यों में मिलने वाले ये पौधे रामशरण वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उगाना शुरू किया। केले का लाल रंग ही अपने आप में किसानों के लिए आकर्षक था। रामशरण वर्मा की लहलहाती खेती ने इस आकर्षण को और अधिक बढ़ा दिया। केले की जो वैरायटी हम लगा रखे हैं G9 वैरायटी है, वैसे केले की तो बहुत सारी वैरायटी हैं, रोबस्टा है, G9 है, ड्वार्फ कैवेंडिश है और विलियम्स है, और हमने रेड बनाना भी लगा रखा है और दूसरा हमने इलायची केला भी लगा रखा, लेकिन यह व्यावसायिक स्पर्धा देखा जाए तो जो लगा हुआ है ये सबसे अच्छी G9 वैरायटी है। जो हमारी G9 वैरायटी है ये उपज अच्छी है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। यदि पूरे हम विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा G9 लोग पसंद करते हैं, G9 खाते हैं, उसी ने हमने इसको विकसित किया है और इसी वैरायटी को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में, आज जो 50,000 किसान हैं हमारे G9 वैरायटी के फॉलोअर हैं, 1,00,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती हो रही है। केले की ये किस्म उगाने में 18 महीने का वक्त लगता है जिसे बाजार में 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जा सकता है, जबकि पारंपरिक हरे केले की पैदावार में 14 महीने का वक्त लगता है और इसे मात्र 25 से 35 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा जा सकता है। इस तरह यदि किसी वजह से किसान को लाल रंग के केले की पैदावार कम होती है तो भी लाभ कमाने की गुंजाइश बनी रहती है। 1986 में आधा एकड़ केला लगाया, फिर
कुछ फ़ायदा हुआ। फिर हमने एक एकड़ केला लगाया, फिर धीरे धीरे हम लगाते गए। 1990 में टिशू कल्चर आया, फिर हमने टिशू कल्चर केले की खेती शुरू की और आज हम करीब जो केले की खेती है वो 150 एकड़ पर केले की खेती कर रहे हैं। अब टिशू कल्चर की खेती हमने इसलिए, एक तो हमको फ़ायदेमंद लगी, जैसे जो परंपरागत खेती धान गेहूं चावल की खेती है वो एकड़ में हमको 50,000 से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकती है, लेकिन जो हमारी केले की खेती है वो हमको 1.5 से 2 लाख रुपया प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ दे रही है। 14 महीने की फसल है। हम चाहे गन्ना की बात करें, गेहूं की बात करें या चावल की बात करें, कोई भी क्रॉप आज की डेट में हमको इतना ज़्यादा फायदा नहीं दे सकती है। रामशरण वर्मा ने लाभ कमाने की गुंजाइश को चक्रवाती फसल उगाकर और अधिक बढ़ा लिया। इसके लिए उन्होंने केले के बागानों में ही समयानुकूल अन्य फसल जैसे आलू, टमाटर और मेथी जैसी फसल की पैदावार भी शुरू कर दी। फसल चक्र, जैसे हम केला लगाते हैं, केला काट करके हम गेहूं लगाते हैं तो कोई खाद नहीं डालते हैं और उत्पादन 20 से 25 कुंटल एकड़ का हो रहा है, कहीं फर्टिलाइजर से कम नहीं हो रहा है। 25 कुंटल हम बगैर फर्टिलाइजर के केला गेहूं पैदा कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात का। फिर हम केला काट के हम आलू लगाते हैं तो जो हमारी माना किया वैज्ञानिकों द्वारा रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर की, उसके आधा डालते हैं। आलू का हमारा उत्पादन 250 से 300 कुंटल हो रहा है और आलू खोद करके हम मक्का लगाते हैं तो उसमें कोई खाद नहीं देते हैं। ये फसल चक्र का लाभ है। एक फसल के बाद कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं कि दूसरी फसल लगाते हैं तो हमको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, गेहूं काट करके हम केला लगाते हैं तो हमारा 30% केला अधिक पैदा होता है। केले के बागान में फसल उगाने की ये विधि पैदावार को 30% अधिक बढ़ा देती है। पैदावार में ये वृद्धि किसानों के लिए अतिरिक्त आय साबित होती है। रामशरण वर्मा द्वारा अपनाई गई खेती की ये पद्धति लोगों को आकर्षित करने लगी, साथ ही साल दर साल उनकी बढ़ती कामयाबी ने आम किसानों को भी प्रेरित किया। श्री वर्मा ने बागानी के अपने नए कौशल को प्रदेश के आम किसानों तक पहुंचाने का विचार किया। इस तरह प्रदेश के 80 जिलों के किसानों को नई विधि से खेती करने की पद्धति और तकनीक को साझा करना शुरू कर दिया। न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश भर से आए हजारों किसानों को रामशरण वर्मा अपने बेशकीमती सुझाव समय समय पर देते रहे हैं। यदि हमारे किसान भाई केले की खेती करना चाहते हैं तो केले के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरी हमारी बात है, एक तो ज़मीन ऊसर नहीं होना चाहिए। नहीं, ऊसर का मतलब ये है जिसका ज़मीन का पीएच 6.5 से 7 हो और उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। जो जल भराव मतलब लो लैंड, कभी कभी हमारी झील की है या तालाब की ज़मीन है या खाली ज़मीन है, उसमें केला नहीं लगाना चाहिए। यानी जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो उसमें हमारे किसान भाई केला लगा सकते हैं। इसके लिए एक ख़ास बात और ध्यान देना है, जैसे वेदर का, मौसम का, ये 10 डिग्री के नीचे और 40 डिग्री के ऊपर तापमान नहीं होना चाहिए। ये तापमान हमारे उत्तर प्रदेश में मिलता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में है। ज़्यादातर इसके जो माइजर उत्पादक राज्य हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। तो जो हमारा कहना है, उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जलवायु हमारे यहाँ कैसी है। और नमीयुक्त का कहने का मतलब ये है हमारा कि 70 से 80% मौसम में नमी होना चाहिए। खेती हम उसी खेत में कर सकते हैं जिसका 6.5 से 7 पीए तापमान हो। लाइन से लाइन दूरी हम 6 फीट रखें और पौध से पौध की दूरी 6 फीट रखें और करीब 1 एकड़ में 1200 पौधे आएंगे। उस पर जो हमारा खर्च आएगा वो 100 से 120 रुपया पौधा एक पेड़ से हमारा खर्च आता है, जो G9 वैरायटी है। ये 14 महीने की फसल है। उत्तर प्रदेश में चूँकि जाड़ा होता है इसलिए यहाँ 14 महीने की फसल है। जो हमारे किसान भाई महाराष्ट्र में करते हैं वहाँ ये 12 महीने में तैयार होती है, गुजरात में भी 12 महीने में तैयार होती है, लेकिन तमिलनाडु में 11 महीने में फसल तैयार होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 महीने में तैयार, क्योंकि यहाँ पर जाड़ा होता है। सबसे बढ़िया वैरायटी G9 है। यदि हम 1200 पौधे लगाएंगे तो 350 कुंटल उत्पादन होगा और 350 कुंटल आज जो केले की कीमत है ये 4 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है। ये तो मार्केट के ऊपर निर्भर है, लेकिन यदि हम औसत बात करें तो एक पेड़ पर हमारा जो है
वो करीब 120 रुपया खर्च होता है और हमको 300 रुपये का एक पेड़ से केला मिलता है, यानी समझिए 30 किलो के आसपास केला मिल रहा है जिसकी कीमत 300 हो सकती है, 350 के। यदि हम टोटल खर्च निकाल दें तो हमको 2 से 2.5 लाख रुपये का औसत, जो हम बता रहे हैं पिछले अपने 15-20 साल का अनुभव, 2 से 2.5 लाख रुपये का एक एकड़ में केले से शुद्ध लाभ हो सकता है। सन 1986 में एक एकड़ जमीन में अपनी खेती को आरंभ करने वाले रामशरण वर्मा फिलहाल 150 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर खेती करते हुए भी वो अन्य किसानों की जमीन को लीज पर लेकर उसमें बागवानी करते हैं और किसान अपनी जमीन उन्हें लीज पर दे रहे हैं। आसपास के जिलों से तकरीबन 50,000 किसान उनकी इस नई विधि का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा किसान उनसे प्रशिक्षण के साथ साथ कार्यशालाओं में भी शामिल होकर खेती की नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर कामयाबी किसी भी किसान के लिए एक गर्व की बात होती है, लेकिन रामशरण वर्मा अपनी उदारता प्रकट करते हुए अपना गर्व किसी अन्य बात में महसूस करते हैं। बनाना किंग के नाम से मशहूर रामशरण वर्मा जी ने केले की खेती से न केवल अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया बल्कि सैकड़ों और किसानों के जीवन में भी उन्नति का अवसर प्रदान किया। जी हाँ, उनसे प्रेरित किसान क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। इनके यहाँ की सीख करके और टमाटर की खेती मैंने किया और उससे हमको जो है आधा एकड़ में पहले वर्ष थोड़ा कम मुनाफा हुआ, उसके बाद दूसरे वर्ष में आधा एकड़ में लागत निकाल करके 1,75,000 का मुझे बढ़िया लाभ मिला। ये जब लैब वाला पेड़ आया तो उसको सोचा गया तो कहा यार ये तो मशीन से बनाया हुआ है पेड़, तो थोड़ा डर लगता था कि पता नहीं कैसे पैदा हो। फिर एक बीघा में इन्होंने शुरू किया यार, देखा जाए करके देखा, थोड़ा रिस्पांस मिला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मार्केटिंग की। अब वहाँ मंडी के लेकर जाओ तो मंडी में ये हाल कंवरियों की बात है कि उनके मन की बात आप समझ ही नहीं पाएंगे। वो रुमाल रख के अंदर ये बड़ा ये छोटा करके पता नहीं क्या बेच देते हैं, हम लोग ठाड़ देखे रहते हैं, कुछ जान ही नहीं पाते हैं। जब वो मेरा बिल बनता है कि इतने हुआ, इतना मंडी कटा, ये हुआ, तब हमको मालूम हुआ इस रेट भी का। धान गेहूँ खेती करते थे, इसके भी हम साथ में यहाँ मजदूरी भी करते थे। मजदूरी करते करते फिर हमने भी केला टमाटर थोड़ा थोड़ा, मतलब जितनी ज़मीन थी थोड़ा, एक बीघा केला लगाया और एक बीघा टमाटर लगाया इस सीज़न में उस सीज़न में, धीरे धीरे करते रहे, अभी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, थोड़ी अपनी खेती भी करते हैं और यहाँ से बस धीरे धीरे सीखते गए। कुछ पहले दिक्कत थी, अब दिक्कत भी नहीं है। रामशरण वर्मा की कामयाबी पर हम सबको गर्व है, पूरे किसान समाज को गर्व है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को बल्कि देश विदेश के किसानों को रामशरण वर्मा की कामयाबी पर गर्व है, उनको मिले पुरस्कार और सम्मान पर गर्व है। 2007 का राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार, 2010 का राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार, 2012 में राष्ट्रपति के हाथों सम्मान, 2014 में बागवानी का राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार। इतनी सफलता और प्रसिद्धि पाने के बावजूद रामशरण वर्मा अत्यंत ही सहज और सरल हैं। खेतों में उतरना और मिट्टी को हाथ लगाने में जरा भी संकोच नहीं करते। अपने किसान साथियों को प्रेरित करते हुए वो कहते हैं, वैसे जो हमने 1986 में खेती की तो हमारी खेती की चमक चारों तरफ फैलने लगी थोड़ा 1990 तक, तो हमको 1990 से जिला लेवल पर, फिर प्रदेश लेवल पर, फिर राष्ट्र लेवल पर हमको नव अन्वेषक सम्मान, कृषि लीडरशिप सम्मान, ये भारत सरकार का ICAR का एक जगजीवन राम अवार्ड है वो हमको 2006 में मिला। और फिर हमारे किसान भाई हम तो हमसे जुड़ते गए और हमको सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि हम अपना काम कर रहे हैं, अपने काम के साथ साथ अन्य किसान भाइयों को हमने अपनी तकनीक सिखाई, उनको भी लाभ मिला, तो उससे हमको दोहरी खुशी हुई। तीसरी खुशी हमको इसलिए हुई कि हम अपने खेती का दायरा बढ़ाते गए, एक एकड़ से लेकर के करीब 250-300 एकड़ पर दायरा ले गए, उसमें गाँव में हमने रोज़गार दिया, बाज़ार दिया, ये भी हमको एक बहुत बड़ी खुशी हुई कि हम अपने हाथ से किसी को रोजगार गांव में दे रहे हैं।
रामशरण वर्मा की यही विचारक वाली सोच उन्हें बाकी किसानों से अलग और उत्कृष्ट बनाती है। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए ही भारत सरकार ने अपने चौथे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। ये पल भारत के हर किसान भाई के लिए गौरव का पल था, साथ ही आम भारतीयों के लिए भी। उत्तर प्रदेश हमारा गन्ने के लिए जाना जाता था। गन्ने वाले किसान इसको बहुत अच्छी तरीके से पहले कर रहे हैं। पहले हम शुरू किए, फिर हमारे पास के गांव वालों ने शुरू किया, फिर पास के पूरा हमारा ज़िला शुरू किया, आसपास के जो जनपद हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं, केले की खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुजफ्फर बलिया से मुजफ्फरनगर तक केले की खेती हो रही है। कहाँ हम 1986 में हमने एक एकड़ खेती शुरू किया, आज टिशू कल्चर की खेती उत्तर प्रदेश में 1,00,000 हेक्टेयर में खेती इसकी टिशू कल्चर केले की खेती हो रही है। किसान साथियों, ज़रा आप भी एक बार रामशरण वर्मा जी के खेती के सफ़र को महसूस करके देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप में भी उसी ऊर्जा का संचार होगा जिसकी ताकत के दम पर उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन पर खेती आरंभ की और अपने सफ़र को 150 एकड़ तक पहुंचाया। ऐसे कामयाब किसानों की कहानी हम आपको अगले एपिसोड्स में ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।